अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी दमिश्क का वो इलाका है, वो एरिया है कि जहाँ पर दो तीन तारीखी मकामात हैं जिसकी वजह से इस इलाके की ख़ास पहचान है। एक चहल मुसल्ला, यानी कि जहाँ पर 40 अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर इबादत की, और एक असहाब कहफ़ के नाम से कुरान मजीद में किस्सा भी मशहूर है असहाब कहफ़ के हवाले से। वहाँ पर एक गार है, वो भी मंसूब है। और तीसरी एक जो ख़ासियत है इस इलाके की, एक शख्सियत के नाम की वजह से इब्ने अरबी, आप मारूफ फ़लसफ़ी और आरिफ थे, उनकी भी कब्र मुबारक जो है इसी तरफ है। तो आज हमने इस तरफ रुख किया है, आपको साथ साथ इस इलाके के खूबसूरत मनाजिर भी दिखाएंगे और साथ इन इलाकों की, इन जगहों की वीडियोस भी। मुमकिन है कि ये तीन मुख्तलिफ वीडियोस बने, तो आपको इंशाल्लाह इस्लामी तारीख से दमिश्क की तहजीब और तमतन, क्योंकि दमिश्क एक ऐसा शहर है, तारीखी शहर है कि जहाँ से तारीख़ ने, कहते हैं, जन्म लिया, जहाँ से तहजीबों ने जन्म लिया, जहाँ से सकाफ़तों ने जन्म लिया, तो इसलिए दमिश्क की ख़ास वजह है। हज़ारों साल पुरानी तहजीबें, तारीखें। तो आपको हम साथ साथ दाएं बाएं के अतराफ़ भी दिखाएंगे। तो जनाब अली, बहुत प्यारा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। जिन इलाकों में जंगें हुई वो भी दिखाए, और जो महफूज रहे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये महफूज रहे तो कितने खूबसूरत, कितने पेशरफ के साथ आगे मौजूद है, और जिन्होंने जंगें कराई उन इलाकों को कितने सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया है। खैर, आप हमारे साथ रहिए, आपको हम यहाँ के मनाजिर भी दिखाएंगे, वाकयात भी दिखाएंगे। पहाड़ों के दामन में आबाद ये शहर, ये इलाका, ये मकान कितने खूबसूरत और हसीन नज़र आ रहे हैं। दावे से कह सकते हैं जनाब कि किसी पाकिस्तान के सहाफ़ी या किसी यूट्यूबर ने यहाँ पर आने की ज़हमत नहीं की होगी और इस तरह के तारीखी मकामात को उर्दू ज़बान में बड़े सगीर और पाक को हिंद के लिए पेश नहीं किया होगा। कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा। ये जनाब मारूफ फ़लसफ़ी और आरिफ इब्ने अरबी की कब्र जो है दूर से नज़र आ रही है, उसका मज़ार कहें या मकबरा कहें, पहले जामा मस्जिद है। जनाब अली, हम मारूफ आरिफ बिल्ला फ़लसफ़ी इब्ने अरबी की कब्र के करीब पहुंच गए। यहाँ पे सात जामे मस्जिद है, यहाँ से ऊपर पैदल ही जाया जा सकता है जनाब, और हम सफ़र कर रहे हैं उस तरफ। या अल्लाह, ये जनाब पढ़ सकते हैं जामे शेख मईउद्दीन इब्ने अरबी। सलाम अलैकुम। जनाब ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, जामे मस्जिद है, ऊपर ही हमें बताया गया है कि
इब्न अरबी की क्या कब्र हमारे घर में मौजूद है। ये जामा मस्जिद है जी, ये यहाँ की उन्हीं के नाम से आरफ बिल्ला थे, अबन अरबी के नाम से मस्जिद है जामा। खूबसूरत नक्शनिगार किस तरह बनाई गई है जनाब। ये जहाँ पर बैठ के खुतबा दिया जाता है। ओके। जामा मस्जिद से मुंसलिक नीचे ये इब्न अरबी की कब्र मुबारक है जनाब। कबर मुबारक है जनाब, ऊपर भी देख रहे हैं। कुरान मजीद में वक्तीन व जैतून का जिक्र है, तो हम आपको दोनों दरख्त हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं। ये वक्तीन है जनाब और ये जो है जनाब जैतून का दरख्त है, ऊपर देखें आपको इसके मिलेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं हम अगली मंजिल की जानिब, और अगली मंजिल जनाब हमारी असहाब काफ और चहल मुसल्ला के नाम से है।